हमने कितनी थोड़ी सी सीढ़ियाँ पार करी हैं। साफ सफाई का विशेष ध्यान दे पहाड़ों में आए तो। अपन संस्कृति अपन पिछाड़ में पहाड़ी छो मी भावना चुफाल मेरा नाम तो हेलो हाय नमस्कार प्रणाम पैर लाग जाए देव की हालचाल हैरान सब ठीक ठाक वाला। तो दगड़ियो आज मेरे डीडी हाट में दूसरा दिन है और अब हम अभी सुबह सुबह जो है मंदिर जा रहे हैं मलयनाथ मंदिर और मेरे गाइड डीडी हाट के गाइड मेरे को लेके जा रहे हैं। तो चलिए आज का ये ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। शाम को प्रोग्राम, आज दिन में भी प्रोग्राम है पर दिन में देखेंगे नहीं देखेंगे पता नहीं, शाम को तो जाना ही है अब। तो चलिए आगे का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम TRC होटल से जो है अब मंदिर की तरफ जा रहे हैं। स्टार्ट कब हो गया? स्टार्ट ना अच्छा ठीक है, बच्चे स्कूल जाते हैं। यार डीडी आज बड़ा लग रहा है मेरे को, नाचनी थल से नाचनी थल में दो रोडों में खत्म हो जाते हैं। यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है मंदिर और वहाँ से 1.5 किलोमीटर चढ़ना है ना, चढ़ाई है। इस बार मैं सीढ़ियाँ गिन के रहूँगी आधी तुम गिनना आधी मैं वहीं जाके पता चलेगा कितनी सीढ़ियाँ। अच्छा, इनका घर यही है जी साइड को। वैसे ये चुफाल हुए सीने के चुफाल। चुफालों का एरिया है गाइस ये, तो मैं अभी अपने एरिया में घूम रही हूँ ये रहा पूरा डीडी आर्ट की छमना छोड़ी यहीं की थी जमना छोड़ी था छमना था छमना ना छमना था हमने यहाँ से यहाँ पे भी मेरे रिश्तेदार मिल गए, मामा है ये मेरे, मम्मी का ननिहाल हुआ है, यहाँ ननिहाल के लोग तो यहीं पे रहते हैं और यहाँ पे इनकी शॉप है मंदिर के जस्ट पास ही, तो आप लोग जब भी आए तो पहचान लेंगे मेरे मामा को तभी हम मंदिर होके आते हैं ऊपर में। हाँ तो क्या बोलते हैं, यहाँ की सीढ़ियाँ जो है स्टार्ट हो गई हैं और अनगिनत सीढ़ियाँ तो नीचे आते वक्त गिनेंगे बोल रहे हैं अब देखते हैं गिन पाते नहीं गिन पाते। ऐसे लग रहा है मंदिर में हम दो ही लोग जा रहे हैं, शायद ऊपर होंगे सारे लोग। यहाँ से व्यू मस्त लग रहा है। हाँ ऊपर घंटियाँ बज तो रही हैं। 1 किलोमीटर का रास्ता है ना यहाँ से, डेढ़ किलोमीटर। और प्रोफेशनल फोटोग्राफर भी है मेरे साथ, देख के इनका कैमरा भी है साथ में। स्वामी मलयनाथ चरण स्थल साथ में मैंने कैमरा रख रखा है तो ये मंदिर की कितने हैं ऐसे द्वार होंगे, एक और द्वार। मेरे को समझाना बहुत ही मुश्किल काम हो रहा है इनके लिए तो यहाँ से दिख रहा है अब भी पूरा डीडी हाट नहीं दिख रहा ना, पूरा नहीं दिख रहा डीडी हाट। ग्राउंड कहाँ है? वो सामने दिख रहा है। अच्छा वो उधर, वहाँ से वहाँ पे वो हो रहा है प्रोग्राम। हमने कितनी थोड़ी सी सीढ़ियाँ पार करी हैं, साफ सफाई का विशेष ध्यान दे पहाड़ों में आए तो। तो अभी हम पहुँचे हैं आधे में कालिका मंदिर। यहाँ से ऊपर को है और बाबा भैरव मंदिर है, फिर ये सारे मंदिरों के बाद आएगा ना। तो अभी हम काली मंदिर और भैरव मंदिर से ऊपर को आ गए हैं, यहाँ पे अभी मंदिर का निर्माण चल रहा है। तो ये रहा मंदिर का इतिहास, सिराकोट मंदिर डीडी हाट। तो
यहाँ से जो है पंचाचुली पर्वत हिमालयाज की रेंज जो है दिख रही है, देख सकते हैं आप, आपको भी दिख रही होगी, ये है बादल जैसे लग रहे हैं पर अब दिख रही है। अच्छा वो उधर ना, अच्छा पंचाचुली, वाओ नाइस। ओ तेरी, ये क्या है इतना भयंकर, कैमरे में इतना वो नहीं लग रहा पर सामने से देखने में लग रहा है ना खतरनाक। तो दगड़ियों हम जो है मंदिर में पहुंच गए हैं सबसे ऊपर ऊंचाई में। एक बार मेरे पापा ने यहाँ से वीडियो बनाई थी, तब मैं 10th क्लास में थी शायद से, तो मेरे को यहाँ से हिमालय की रेंज वगैरह पापा ने बहुत अच्छी वीडियो बनाई थी, तो मैंने सोचा था मैं कब जाऊँगी यहाँ, जा पाऊँगी नहीं जा पाऊँगी, तो आज मैं यहाँ पर इनके बदौलत जो है पहुँच गई हूँ। तो धन्यवाद करना चाहूँगी आपका। और अभी जो है पुजारी जी आ रहे हैं, तब तक हम वेट करते हैं। पहले से ही जानता हूं मैं तेरी को। अच्छा तेरे पिताजी को। अच्छा अच्छा पापा को जानते हैं। यहां भी वो भी है बिशन सिंह नहीं है यहां पर। हां हां ये भी वहीं का ठहरा। हां अच्छा अभी हम ही थे तुम्हारे पंडित पहले। अच्छा ठीक है, ये मकान यहीं बना दिया। हां वहां क्या आते हैं आजकल हमारी भी आते ठहरी हुई थी। ये ऊपर भागलिंग बुबू के बच्चे ठहरे। अच्छा भागलिंग बुबू। हाँ मलयनाथ पंचमुखी बाला। अच्छा ये डूटे से आए थे। इसी नहर से आए थे। अच्छा पहले वो वहाँ पर बैठा था पंचमुख, फिर उसके बाद जहाँ पर खल रखा है वो सुबह सुबह धो रखा है। हाँ यहाँ रुका गरिया के, यहाँ गया तो कोटा लेते नहीं हुए, फिर निगालू पुतरा लिशनी हो। अच्छा पंचमुखी बाला। हाँ फिर भागलिंग बुबू, फिर उनके बच्चे भागलिंग बुबू के बच्चे ठहरे ये। अच्छा। फिर भागसी जी रानी यहाँ कोयला शिवला गोट यहाँ। अच्छा ये ठहरी कहानी, ये आए ठहरे ड्यूटी से। अच्छा नेपाल से। नेपाल से हाँ शिव जी के वंश। हाँ वही चलो ठीक है बढ़िया करके। हाँ। उनको है, नीचे पुजारी जी को स्टोरी मान। अच्छा ठीक और अच्छे बताते हैं। उसने पूरा लिख रखा ना बाय डिटेल। अच्छा हाँ चलो ठीक छो। हाँ हाँ तो दगड़ियो अब हम जो है मंदिर से नीचे को जा रहे हैं। पंडित जी थोड़ा सा लेट आए थे पर हमने तब तक ऊपर में फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर ली थी। अब हम जो है नीचे जा रहे हैं। नीचे जो मामा मिले थे उन्होंने अपने घर पे खाना बना लिया है शायद से, तो मेरे को वहाँ खाना पड़ेगा खाना। अरे हाय 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 तो कर दो। वाओ दीदी दीदी थैंक यू दीदी। टाइम मेरी मम्मी के मामी भैया। अच्छा मेरे की लग ला पे आम आम है। अरे तुम्हारी नानी। हाँ ये बुबू भाई बहनी। अच्छा हाँ मेरे भांजी भैया। अच्छा मतलब तुम मेरे आम भैया। अच्छा ये तो मटा पूजा आगे। तो दगड़ियों अब जो है मैं यहाँ पे मम्मी की मामी के वहाँ पे आई हूँ और यहाँ पे हम मैं नाश्ता कर रही हूँ। ये नहीं कर रहा भूख नहीं लगी बोल बढ़ते है बोल खाली सच्ची में बढ़ते है उसका शायद से। तो मम्मी की मामी से मैं पहली बार मिली हूँ, मेरी अम्मा हुई है। चीफ गेस्ट यहाँ पे भोजन ग्रहण करते हुए। आपका नाम क्या है? हैं तो इसने नाना बोल के दो पूरी खाई ली। दो खाई है दो खाई। मैंने गिनी है गाइस एक खाई है चलो मान ली बात। अब वहाँ पे झोड़ा चाचरी का प्रोग्राम है आज। मेरे को तो लगने नहीं देंगे ना बीच में झोड़े में। कोई बात नहीं मेरे को बड़ा मज़ा आता है वैसे झोड़े में। बाय अलन जी क्या रहा था मैं मैंने निहाल लग गया अब उंगली न लाओ। तो दगड़ियों मंदिर से भी होके आ गए, मामा लोगों के वहाँ से भी आ गए। अब जो है मैं जा रही हूँ होटल में अपने। तो अभी हम पहुँचे हैं नंदा देवी मंदिर डीडी हाट के।
और दो मंदिर घूम लिया मैंने आज। तो नंदा डोली में जो मूर्ति बनती है वो घड़े में बना रखा है पेंटिंग से, देख सकते हैं। बाकी पार्ट अंदर ही होगा ना। अच्छा, डोले में सिर्फ यही लगता है ना, अंदर डोला है, ये रहा डोला। पहले हमको जो सीधा आ रही है उनको बैठवाने की पहले व्यवस्था बनाते हैं, जो बच्चे की जगह फिर उसको दे देंगे। अभी मैं जो है रूम में पहुंच चुकी हूँ, अभी थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, उसके बाद शाम को प्रोग्राम में ही जाना है। तो अभी थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, उसके बाद शाम को ही तैयार होना है। अभी भाभी का भी फ़ोन आया था गांव से, शायद वो लोग भी आज शाम को आ रहे हैं यहाँ पे डीडी हाथ महोत्सव देखने के लिए। एक गाड़ी आ रही है मेरे गाँव से, उनको लग रहा था शायद मेरा प्रोग्राम है या डांस है करके, बट उन्हें अब क्लेरिफाई हो गया है कि मेरा डांस नहीं है, खाली अवार्ड के लिए आई हूँ मैं। डांस परफॉर्मेंस जो है मैं अगले साल ट्राई करूँगी देने की पूरी, इस साल जो है अवार्ड लेके जाते हैं, इस साल अगले साल जो है परफॉर्मेंस देंगे। तो गांव से मेरी एक पूरी गाड़ी भर के आ रही है, देखते हैं शाम को कौन कौन पहुँचता है। तो शाम को मिलाती हूँ मैं आप सभी को उन लोगों से। डीडी हाट का जो है मशहूर कुछ मिठाई है यहाँ की, डीडी हाट की मशहूर मिठाई वो लेके आई है, और ये है क्या बोलते हैं, मैं नाम भूल गई, मेरे को नाम याद नहीं है। डीडी हाट वालों बताओ तो क्या बोलते हैं, क्या फेमस है तुम्हारे यहाँ, ज़रा कमेंट में बताओ तो ज़रा। तो अभी ये खाते हैं, फिर उसके बाद हेयर वॉश करना है। तो मैंने कटोरी में निकाल लिया है खेचुआ बोलते हैं इसको, खेचुआ ऐसे कुछ शायद से, अभी आए मन हो जाएगा तो पूछूंगी, बाकी आप तब तक तो कमेंट्स में बता ही दोगे क्या है करके। तो मैंने इसको टेस्ट करा और ये बिल्कुल टेस्टी हो रहा है, बहुत ज़्यादा दूध का है शायद से, पूरा दूध का बन रखा है। खाओगे फिर सा खा लो फिर तो रबड़ी जैसा हो रहा है, रबड़ी जैसा टेस्टी है, यम्मी। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा है, अगर मतलब स्टेज पर गई और मेरे को बोलने के लिए कुछ बोल दिया तो मैं क्या बोलूँगी करके, क्योंकि मैं स्टेज पे ऐसे कभी गई नहीं हूँ। एक बार गई हूँ, एक दो बार गई हूँ प्रोग्राम में, पर कभी कुछ बोला नहीं है। और मेरे को डर लग रहा है, कहीं ये डर तो नहीं, मतलब एक होता ही है ना क्या बोलना, जैसा स्टेज पे पहली बार ऐसे बोलना पड़े तो क्या मुझे सब बोलूँगी, कुछ समझ नहीं आ रहा है। चलो देखते हैं, अगर बोलने को बोल दिया तो बोल दूँगी, नहीं बोला तो अच्छा ही हुआ। तब तक ये मिठाई खाते हैं और
और क्या बस। तो तिगड़िया हम रेडी हो चुके हैं और अब जो है निकलते हैं प्रोग्राम में। पहले तो मेरे को ना कुछ सिम लेनी थी, मेरे मतलब यहाँ पे क्या बोलते हैं सिम नहीं चलती एयरटेल की मेरे गांव में, तो आइडिया की चलती है वहाँ, तो मेरे को सिम लेनी है एक। फिर उसके बाद जो है वहाँ से मैं प्रोग्राम में जाती हूँ। अभी स्टार्ट ही था प्रोग्राम, अभी बंद हुआ है, ब्रेक हुआ है थोड़ी देर के लिए। फिर अब रात को सारे लोग आएंगे, फिर स्टार्ट हो जाएगा। और आज के प्रोग्राम में प्रहलाद मेहरा जी आ रहे हैं, रोहित चौहान जी आ रहे हैं, काफ़ी लोग आ रहे हैं आज, और मेरे गांव से भी लोग आ रहे हैं। तो चलिए प्रोग्राम में मिलते हैं आपको। सोशल मीडिया के माध्यम से, उसके बाद इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज, यूट्यूब, जो भी संस्कृति होती गांव जाती है, गांव में क्या क्या काम होता है, और कई गीतों में इन्होंने अभिनय भी किया है। तो हमने भावना चुफाल को इस बार चुना है युवा कलाकार के रूप में। मैं उनको मंच पर आमंत्रित करता हूँ। हमारी भावना हमारी डीडीहाट क्षेत्र की रहने वाली है और कुछ अपने बारे में कुछ कहेंगी। अपन संस्कृति हरी छोड़ी भावना चुपाल के नाम। तो हेलो हाय नमस्कार प्रणाम कहना जय देव जय चाय के नाम। सब ठीक ठाक होला आपका? ठीक ठाक है। हम मिट्टी होते गजब के ना आते हैं पहले में स्विच यू वहां पे पहले में वाला गजब के ना आज पर तो चला के पहले वाला गजब के ना। तो आज में ये मंच मिल रहा और नवीन टोलियादार में बहुत शुक्रिया अदा करूं और नंदा महोत्सव जो पूरी टीम होने लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूं। और स्टेज मिल रहा जो बात एक बात जरूर पहचान कि जब एम ए एल इले पहाड़े पे पहाड़ बल नहीं होने तो मैंने बढ़िया लगना वाले पहाड़ बल नहीं होकर तो उससे कम ये भर लगा कि हमें उन्हीं वाली पीढ़ी पहाड़ में बात करें जो बात। तो बीते की कलम पर डाला मैंने कि घर में पहाड़ में बोलने एक माहौल पड़ा क्योंकि हिंदी इंग्लिश और सब भाषा नंदिन सीखे जा रही स्कूल में पर पहाड़ भाषा घर माहौल ने बच्चे सीखा। तो मैं ये चीजें तम सब अपने नंदिन दगाड़ पहाड़ भाषा में बोलना ना आज के घर बुलाए और मैं जोशी जी से निवेदन करता हूँ कि वो हमारी भावना को यहाँ पर सम्मानित करेंगे। Thank you.
तुम लोग क्या बने हो? क्या बने हो आप लोग? लीजिए एक बार जोरदार ताली के साथ स्वागत वेगा पब्लिक स्कूल। और वही 500 रुपया नीरज है चुफाल जी के लिए यहाँ पर आई हुई है। धन्यवाद जी, प्राप्त कर लें। दगड़िया कर दे, जोर से कर दे, प्लीज कर दे, उसमें बैठ के जाएगी। कर दी यार, कुछ कम ईयरफोन लगा लीजिए। मुझसे तो बोल हाय दगड़िया। अब 2-3 दिन में आ बोले। तो दगड़ियो, प्रोग्राम जो है आज समाप्त हो चुका है, और आज मतलब मेरा समाप्त हो चुका है, और तो चलेगा 2 दिन और चलेगा। तो कल मैं जो है नैनीहाल जाऊंगी अपने। आज का ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, और मतलब व्लॉग में इतना कुछ बोल नहीं पाई हूँ, बस परफॉर्मेंस वगैरह ये दिखाई है, क्योंकि म्यूज़िक वगैरह चलता है तो फिर इतना बोलने का इतना रहता नहीं है। तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम हुआ, डीडी हाट आके मज़े आ गए, और बहुत बढ़िया था यार, मज़े आ गए, अच्छा लगा। तो इस बार नैननाथ रावल जी से मुलाकात हुई, मेरी माया उपाध्याय जी से मुलाकात हुई, काफ़ी मतलब प्रहलाद मेहरा जी से मुलाकात हुई, और जिन मतलब जिन सिंगरों के मैं गाने सुनती थी, मतलब अभी भी सुनती हूँ, और जिनकी जिनके गानों से मैंने रील्स वगैरह वीडियोस वगैरह बनाना स्टार्ट करा, मतलब पुराने गाने मैं लेती थी ज़्यादातर पहले वीडियोस जब बनाती थी, तो आज उन कलाकारों से मुझे मिलने का मौका मिला, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। उनके बीच में मैं आज यहाँ पर पहुँची, सोचा नहीं था मैंने कभी कि यहाँ तक मुझे मतलब स्टेज में ऐसे सम्मानित करेंगे करके, पर यह है कि हाँ, कब अच्छा काम करते रहो, अच्छा इन द सेंस कि कल्चर के लिए, कल्चर जिस तरीके का हमारा कल्चर है उसको उसी तरीके से प्रमोट करो, अच्छे तरीके से, ये नहीं कि समझ रही होगी आप मैं क्या बोलना चाहती हूँ। तो चलो आज का ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।